हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ज़मीन पे बहुत सारा गंदा लगा क्योंकि अभी मैंने दो तीन वीडियो शूट की हैं एंड ओके, पैकिंग भी कर रही थी यार साथ साथ में। और मैंने पैकिंग कर लिए, दो तीन आउटफिट्स मैंने पैक किए, दो सूट पैक किए, एक ड्रेस पैक की है और साथ में टॉवल है। इधर आरव के कपड़े हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। ये अगारो का सूटकेस है एंड दो साइज़ में, ये बड़ा वाला साइज़ है, ठीक है, जिसमें मैंने वाले कपड़े पैक किए हैं। और साथ में एक हमने ये फ़ैन ले लिया है जस्ट इन केस बीच में अगर रास्ते में गर्मी वगैरह लगे तो, कहीं अगर हम स्टेशन में रुके वहाँ पे अगर लगे गर्मी तो। ये मेरा नाइट सूट है और यहाँ पे थोड़ी सी मेडिसिन रख लिए हैं मैंने। फुटवेयर है जिसको मैंने एक अलग पैकेट में रख लिया, पंजाबी जूती है, ये मैंने मिंत्रा से बाय की थी और ये फुटवेयर रख लिए मैंने, लोकल मार्केट से लेके आई थी, ठीक है। और ये मेरा रहा फ़ोन एंड ये है एक ड्रेस बेरी का बैग, मिंत्रा से बाय किया थी ये। वैसे टैन कलर का बैग मेरी मम्मा लेके लेंगी, मैं कौन सा लेने वाली हूँ, जिसको मैं भी डाल के खड़ी हुई थी। मैं लेने वाली हूँ ये, एक सेकंड रुको, ये बड़ा ही खूबसूरत सा मरून कलर का बैग, मस्त एंड हार्बर ब्रांड का है और ये है मिंत्रा से। ये भी मिंत्रा से ही है, ये भी मिंत्रा से ही है, ठीक है। ये दो हैंडबैग्स हम कैरी करने वाले हैं, एक मरून कलर में और टैन कलर में, जो दोनों ही हमारे किसी भी आउटफिट के साथ है। बस ये ऐसे वाले कलर्स है ना, चल जाते हैं। बेडशीट अगर आपको सुंदर लग रही है तो हाँ जी, मैंने अभी अभी जस्ट नई बेडशीट, मतलब इसको हो गए हैं दो तीन घंटे बिछाए, उसके बाद मैंने दो तीन वीडियो शूट की थी, मतलब आज ही बिछाई है मैंने ये वाली। इसको मैंने अमेजोन से बाय किया था और मुझे इतनी प्यारी लगी ना ये वाली बेडशीट, प्योर कॉटन की है। और एक व्लॉग में ना ऑर्डर प्लेस किया था आप ही लोगों के सामने, मैंने 4-5 बेडशीट्स ऑर्डर प्लेस की थी, सिंगल बेड वाली भी और बाद में मैंने ना डबल बेड वाली भी की थी, ये देख लो। और ये कुछ नाइटीज़ यहाँ पे पड़े, इसमें से मम्मी को एक आधी नाइटी चूज़ करनी है जो मम्मी अपने साथ लेके जाएंगी। आज मैंने इन्हीं की वीडियो बना दी और यह अभी तक अपडेट यही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल फैमिली और या हम सारे हैं साथ में, मम्मी है, पापा है, भाई है, आरव है, चाचू हैं, मुझे छोटे झगड़े हैं, पापा के छोटे भाई हैं, ठीक है। चलो यही अभी तक हम ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो में सामान सब लोड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो या चलो, दिस इज़ माई आउटफिट, दिस इज फ्रॉम मिंत्रा और हमने अपना चश्मा लगा लिया है क्योंकि लेंस अभी लगाना नहीं है, बहुत गर्मी है। वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर रेडी होंगे शाम को। तो या चलो जी, एक्चुअली गाइस इतने लोग हम कैब पे आ रहे हैं, देख रहे छेड़ रहे बच्चे ने, उसे थोड़ी जाना होगा। हाँ ओके, पहुँच गए। एक्चुअली गाइस हमने कैब इसलिए नहीं की क्योंकि इतने लोग कैब में आ नहीं सकते और कैब वालों का बड़ा ड्रामा होता है हमारे एरिया में, वो कैंसिल पे कैंसिल कैंसिल पे कैंसिल कैंसिल पे कैंसिल करता था। वी आर लाइक कि हम ऑटो पे क्यों गए, इतने धक्के नहीं लग रहे जितने तुम उछल रहे हो। हाँ मेरा फोन, बाय द वे मेरे नए चश्मे लेंस का 150 रुपये का नहीं रुक, मैं भी दिखा इधर करी, मेरा भी नया चश्मा है। चलो 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 चलो, मैं अपनी बुद्धि कर लेती हूँ। गाइस लुधियाना स्टेशन, चलो थोड़ा सा एक पापा ने बोला 360 डिग्री घुमाना है, पापा 360 डिग्री, चलो जी, लो जी 360 डिग्री। बस भैया इससे ज़्यादा फ़ोन स्टेशन में नहीं निकलना चाहिए, नॉट अलाउड। चलो 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 भाई चलो।
हमारे यार सेकंड वाले पे आ रही है वो, दूसरे पे जा रहे हैं हम। मतलब मेरी टैक्सी इतनी भारी होगी ना, मेरी दुबारा ठीक है इधर ले लिए। बड़ा जाओ उधर उधर जा, चलो जाओ तो ना जा। थर्टी हो गए गाइस, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ये देखो टेस्टी है। दोनों भाई भाई लगे हुए हैं, बढ़िया इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है, ये दोनों की जोड़ी बनी हुई है और मेरी और मम्मी की जोड़ी बनी हुई है। गाइस देखो ड्रोन, ड्रोन इतना बड़ा ड्रोन मैं पहली बार देख रही हूँ ड्रोन। फाइनली मैं भी बैठी हुई, बैक कैमरे से मेरी बुक ही अच्छी नहीं आ रही सो आई डिसाइडेड मैं फ्रंट कैमरे से ले लेती हूँ। आ गाइज है मेरे अगारो की भर के लेके, भाई भारी तो नहीं थी जिंदा तू शुगर एक दिन वास्ते चली है जे तू महीने वास्ते चली पापा नू कहना पापा है ना एदी टैची बहुत भारी है तुसी मैनू दे दो ठूसी हुई है गाइस, ठूस के लेके आई हूँ एकदम, मतलब क्या समझाऊँ कैसे बताऊँ। गाइस रेलवे स्टेशन में पहुँचे और बैग में मेरा ये पड़ा था मामाअर्थ का सनस्क्रीन, बॉडी लोशन सनस्क्रीन है और मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने इसको लगाया ही नहीं था। जस्ट जल्दी जल्दी में मैं ना ऑटो आ गया था, फटाफट से अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ। एंड इनको भी थोड़ी सी ड्राइनेस होगी हुई है, थोड़ी सी थोड़ी सी, तो इनको दे दूंगी मैं, तेरे को रोने की जरूरत नहीं है, दे दूंगी दे दूंगी। मम्मा चलो मेरा शूट करो थोड़ा सा ओल्ड माइंड। गाइस इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपको देती हूँ दो मिनट लगा लो, कोई ना देर समय बच्चे बॉडी लोशन है, SPF 30 है। अब गाइस आपको मैं डिटेल में प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ जब तक हम ट्रेन का वेट करते हैं। गाइस सनस्क्रीन सिर्फ फेस के ऊपर नहीं आपको अप्लाई करनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के ऊपर भी सन बर्न, डार्क स्पॉट्स या फिर ड्राई या इची स्किन आपकी ना हो। मामाअर्थ ने लॉन्च किया अपने 3 सनस्क्रीन बॉडी लोशन। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है विटामिन सी, एलोवेरा एंड उपटन। मैं करेंटली गाइस यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का उपटन सनस्क्रीन बॉडी लोशन, इसके अंदर है SPF 30। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा एंड ये आपकी स्किन को ना सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जैसे सैफरन है जो ब्राइटन करेगा आपकी स्किन को, रिड्यूस करेगा हाइपर पिगमेंटेशन को, प्रोवाइड करेगा ये नेचुरल सन प्रोटेक्शन को। साथ साथ में इसके अंदर टर्मरिक भी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है और हेल्प करती है आपके फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज। डेली बेसिस पे आप इनको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं है इसके अंदर। नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, ग्लो ऐड कर देगा और हर एक स्किन टाइप को ये सूट करेगा। गाइस इसके अंदर 2 और इंग्रेडिएंट्स है, कैरेट सीड ऑयल एंड शिया बटर। कैरेट सीड ऑयल ना ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को फ्रॉम यूवी रेज एंड फ्री रेडिकल डैमेज से। इसके अंदर ना शिया बटर भी है जो एनरिच्ड विद द फैटी एसिड्स है, विटामिंस है इसके अंदर, ये क्या करेगा मॉइस्चराइज करेगा। जरूर ट्राई करो आप गाइस क्योंकि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ना केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं।
अच्छा ब्रांड ने ना दो और बॉडी लोशंस लॉन्च किए हैं, वो है वाइटमिन सी सनस्क्रीन बॉडी लोशन, इसके अंदर है वाइटमिन सी और हनी। ये स्किन को रेडिएंट बनाने में आपको हेल्प करेगा। टेक्सचर में आपको इसका भी दिखा देती हूँ, ये भी बहुत नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएगा। एक और वेरियंट है एलोवेरा सनस्क्रीन बॉडी लोशन, इसके अंदर एलोवेरा है और अश्वगंधा है फॉर यूथफुल ग्लो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, बट मैं करंटली गाइज उपटन वाली वेरियंट को ट्राई कर रही हूँ, इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है। गाइस ये है मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप, ऐप का डाउनलोड का लिंक मैंने आपको डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा वाला कूपन कोड मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप पे चलेगा और वेबसाइट पे चलेगा। ऐप से प्रोडक्ट बाय करने का आपको ये बेनिफिट है कि आपको न्यू लॉन्चेस बिल्कुल सामने नजर आ जाते हैं, एंड सेल्स एंड जो डिस्काउंट्स होते हैं आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ऐप के ऊपर। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना मामाअर्थ की वेबसाइट से, ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देंगे एक ट्री के साथ जो मामाअर्थ ने प्लांट किया। बाय द ये 2025 मामाअर्थ ने एम किया 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करना एज एन इनिशिएटिव, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गाइस सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो ना तो मेरा वाला कूपन कोड आप जरूर यूज़ कर लेना, Swati2022, आपको 20% ऑफ मिलेगा। मेरा वाला कूपन कोड सिर्फ मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे चलेगा। वैसे ये वाले प्रोडक्ट्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। गाइस ये हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, क्या कह रहे हो कि निकल गया? हाँ हाँ नहीं अच्छा कंफर्म करने तो भाई, यही है शता न्यू दिल्ली तो अमृतसर अमृतसर तो जाना हमें। चलो जी हाय गाइस, फाइनली हम सारे के सारे अटक गए, ये ठीक है जा चुका के मैं बड़ी बॉटल नहीं आपका बड़ी बॉटल नहीं मैं 3 साल के बाद ट्रैवलिंग कर रही हूँ ट्रेन पर। गाइस मम्मी बनाना खा यार, ये लाइटनिंग क्या हो गया कई बार लग, अरे भी तेरी हो रहा है कार्ड बैग में मैंने रखी थी ना किट, ये हमारी कार मेरी किट है, ये हां अभी भाई तो ऐसा हो जब फोन लगा के बंद कर दिया बैटरी कितने रात तक चल। ओ यार अब सुमित इधर देखो, अरे मैं तो दिखा रहा हूं थप्पड़ लगा नहीं, इंस्टाग्राम दी रील बन रही है और तुम हमेशा उन रट ही रहना ही लाने वाली में चलो चाय आज की है और वो रहे नमकीन का पैकेट और बस चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी टिकट में चाय नहीं थी, हमको अलग पे करके चाय लेनी थी, ये हमें पता ही नहीं था। चलो कितने की थी पापा एक चाय? 20। सॉरी यार मैं टाइम ही नहीं मिला गल करने, याद ही नहीं रहा हूँ आएंगी तो अंदर आई मैं मिले पूछ की लड़ नहीं है। चलो ऑन है ना? हाँ चलो अरे बस बस नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा बना मम्मा हूँ बना ट्रेन चल के नजर आ रही है। चाहते
गाइस हम फाइनली पैदल ही जा रहे हैं, रिक्शे का कोई इंतजाम नहीं हुआ। शाम को आएंगे इधर। आ रहे ने पीछे के ने आ रहे ने हाँ, मैं देखा सी कबूतर। हाँ राती थे लाइटनिंग होती है ना, ठंडा ठंडा होएगा, आते हैं शाम तक आते हैं। फाइनली बाबा जी ने बुला लिया।
हाँ मेरे को पंजाबी जुत्ती लेनी है, पंजाबी जुत्ती। फाइनली हमको एक घंटा चलने के बाद अपना होटल मिला, होटल सीता निवास। भाई साहब बैंड बज गई, अरे साइड हो जाओ तुम। हम आगे पीछे पीछे आगे घूम घूम के फाइनली वी गॉट आवर होटल। फाइन ठीक है चलो। चलो जी सारे चलो अंदर। चलो शूट कर रही हूँ वीडियो और क्या कर रही हूँ। बहुत गर्मी है भाई, सारा मुंह लाल हो गया। गर्मी है ना, कोई ना अपन जावांगे ना तो फिर अपन शाम के लगे। अरे छत में, छत में आ जाना, लेके जाते रहने। अरे मैं भी जाना। नहीं अरे भैया गाइस बैठ गए कंबल बड़ा मर जाएंगे हम लोग गर्मी में भाई। बैठ के ऊपर कंबल बड़ा हुआ था, मम्मी ने बड़ा बड़ा कंबल जोड़ता। ओ वाह बेटा क्या पसीने तो भर गया। अरे रुक जाओ तुम दो मिनट। हाँ अच्छा आ रूम में गया। हाँ बढ़िया साढ़ा भी है, मैंने नहीं पता कितने है। मैं देख गाइस ये हमारे तीन रूम हैं एंड एक ये कमरा, क्योंकि पर पर्सन दो बंदे रह सकते हैं ना, आरव को भी काउंट किया जाता है ना। ही इज नॉट अ स्मॉल बेबी, ही इज अ बिग बेबी। तो दो बंदे यहाँ पे रहेंगे। मूविंग ऑन टू दो बंदे यहाँ पे रहेंगे, पापा और चाचू ठीक है, और आरम ने भी उधर पापा टीवी ला लिया जे। चलो जी एंड दो बंदे हम यहाँ पे रहेंगे, मैं और मेरी मम्मी 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 मम्मी। चलो जी ये है हमारा बाथरूम ठीक है, नीट एंड क्लीन है भाई, कोई वो नहीं है ठीक। गाइस ये यार साथ में, हाँ ये देख लो गाइस। ये है मेरी प्लेट, प्लेट रोटी देते हैं। चलो रोटी अभी नहीं जो तो कि आपको बताऊंगा। नमक ले आइए थोड़ा सलाद में डालने के लिए। अचार चाहिए भैया, अचार अचार हाँ ले आओ।
बनाई का स्वाद है पनीर का साथ ये बेटा तुमको ये देख रहे हो गाइस ये देखो बस ये देखो ये दिल्ली का एक रहता है मिर्ची दिए बेटा ठीक है कितना पानी खीरा भी ला गाइज यही थी आज की वीडियो होप आप लोगों को पसंद आई और कुछ नहीं रैंडम बस लुधियाना टू अमृतसर ये व्लॉग था। अब हम वैसे मैं सोई तो नहीं थी बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया बहुत सारे रील्स अपलोड की जो जो मैंने शूट किया था एंड उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड की और अब बज रहे हैं 5:30 शाम के एंड चाय वगैरह हमने पी ली थी वो मैंने शूट नहीं किया था एंड बस थक गई थी। उसके बाद फिर अब हम वहाँ धोएंगे रेडी होएंगे एंड मिलते हो अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चिल देन बाय बाय लव यू।